यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 17 से 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बाद भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबर सामने आई। पेपर के कुछ स्क्रीन शॉट और फोटोज खूब वायरल हुए और एक यूजर्स ने दावा भी किया था कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा। पेपर लीक की खबर से परेशान स्टूडेंट ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रश्न पत्र से पहले ही मिल गया था, सर हम लोग मेहनत करके पढ़ते हैं और सरकार प्रशासन ढंग से पेपर नहीं करवा पा रहा है। तो वहीं दूसरे ने लिखा, सर एक बच्चा एग्जाम से पहले ये पेपर की फोटो कॉपी निकाल कर पढ़ रहा था, क्या वो भी एडिट है? सर प्लीज आपसे दिल से निवेदन है कि पेपर लीक हुआ है, कृपया जांच कराइए। लेकिन आपको बता दे कि पेपर लीक के दावों के बीच सीएम योगी का जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो वीडियो 28 नवंबर 2021 को अपलोड किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो का आधा हिस्सा शेयर किया जा रहा है। पूरा वीडियो देखने पर पता चला कि वायरल वीडियो से यूपी पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। असल में सीएम योगी का इस वीडियो में यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 पेपर लीक को लेकर बयान दे रहे हैं, यानी अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सीएम योगी का वो वीडियो 2 साल पुराना है।